दोस्तों Redmi 5 हो गया है लॉन्च तो हो गया है, लेकिन 20 मार्च से मिलना स्टार्ट होगा ये Amazon के ऊपर। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है ऑक्टा कोर जो है स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर। इट्स अ गुड प्रोसेसर, पहले 425 आया, 430 आया, अभी नया प्रोसेसर है 450 इसके अंदर आपको मिल रहा है। इसके अंदर आपको मिलेगा 5.7 इंचेस की HD स्क्रीन और इसके अंदर आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा, एक टॉर्च होती है उसके साथ, और 12 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर मिलेगा रियर कैमरा जो कि 2.2 अपर्चर के साथ आता है। इसके अंदर आपको 2GB और 16GB का वेरिएंट, 3GB 32GB और 4GB आपको 64GB का वेरिएंट मिलेगा। जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, 2GB 16GB के रहेंगे 8,000 में 7,990, 3GB 32GB का जो रेट रहेगा वो रहेगा 9,000 में 8,990 और 4GB 64GB का जो वेरिएंट है उसमें 10,990 का आपको प्राइस मिलने वाला है। इट्स लुक ग्रेट, अगर मैं बात करता हूँ कि काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, काफ़ी अच्छा प्राइस है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ये फ़ोन मिल रहा है। अमेज़ॉन पर शायद मिल जाए क्योंकि फ्लिपकार्ट पे तो ये नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों यहीं से मेरी वरीज जो है स्टार्ट होती है, क्या ये 5A का बड़ा भाई है या ये नोट 5 का छोटा भाई है। देखा जाए तो एक ही गैप था जो अब Redmi ने जो है फुल कर दिया है। 5000 की अगर फ़ोन की बात करूं जो 5A आया था 4999 का, 6000 की, 7000 की, अब 8000, 9000, 10000 की अगर मैं बात करूं, फिर 12, 13 या इसकी बात करूं तो फिर Redmi नोट 5 आ जाता है, उसके बाद 5 Pro आ जाता है। तो देखा जाए तो 5000 से लेके 15000, 16000 तक का सेगमेंट जो है पूरी तरीके से Redmi ने एक एक सेगमेंट पे हज़ार रुपए के ब्लॉक पे लगभग सभी फ़ोन अपने लगा दिए हैं, लेकिन उतनी ही कन्फ्यूज़न इसके साथ मुझे पैदा हो रही है और शायद आपको भी वो कन्फ्यूज़न होगी। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कि एक वेरिएंट अगर मैं लेता हूँ इसका 3GB और 32GB वाला, तो यहाँ पर मुझे मिलता है 450 का प्रोसेसर, लेकिन यही अगर मैं नोट 5 लूँ तो मुझे 625 का प्रोसेसर मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बैटरी की बात करता हूँ तो 3300 mAh की बैटरी मिलती है और वहाँ पर मुझे 4000 mAh की बैटरी मिलती है, और कैमरा क्वालिटी भी मुझको ज़्यादा बेटर मिलने वाली है नोट 5 के अंदर। तो अगर सिर्फ 1000 रुपये खर्च करके मुझे इतनी सारी अगर चेंजेस मिल रही है, मेजर 3 चेंजेस तो मुझे मिल ही रहे हैं, तो मैं क्यों रेडमी 5 पे रहूँगा, नोट 5 पे नहीं जाऊँगा, या फिर मैं थोड़ा प्राइस कम करके, अगर मेरा बजट जो है कम है, क्योंकि अगर मेरा बजट की दिक्कत है तो मैं फिर कम बजट में भी जा सकता हूँ, 1000 ऊपर बजट पे भी जा सकता हूँ। तो थोड़ा मुझे ये लॉन्च जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन इज़ गुड, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन गलत है या ख़राब है, कॉन्फ़िगरेशन और अच्छी हो सकती थी, लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेकिन जैसे प्रोसेसर जो है 450 है, 625 नहीं है, तो डेफिनेटली बैटरी का कंजप्शन जो है वो भी कम होगा और आपको जो है फ़ायदा इसके अंदर मिल सकता है। तो दोस्तों मेन अगर मुद्दे की बात करूं तो 5000 से लेके 15000 या 16000 तक के सेगमेंट में Redmi ने हर 1000 रुपीज़ पे अपना एक फ़ोन सेगमेंट लगा दिया है और पूरी कोशिश करी है कि हम इसको मार्केट में पूरी तरीके से कैप्चर कर ले। 5000 से 15000 के बीच का सेगमेंट, शायद बाद में Mi Mix या Mi Mix 2 जो 12 है उसके थ्रू ये शायद ऊपर फ्लैगशिप वाला मॉडल भी शायद ये कवर करना चाहते हैं। तो काफ़ी स्ट्रेटजी है, चाइनीज़ कंपनी है, अपने हिसाब से स्ट्रेटजी लगा रही है। फ़ोन तो अवेलेबल इनके होते नहीं है, और मैंने भी फ़ोन मंगाया था, ये Redmi 5 मेरे पास फ़ोन आया है अगर आपको दिख रहा है, इसका मैं अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है, रिव्यू आपको जल्दी मिल जाएगा। काफ़ी टाइम से मैं फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ ये Redmi Note 5, और Note 5 Pro का भी मैं आपको जल्दी रिव्यू दूंगा इसके अंदर। बाकी दोस्तों अगर आपको Note 5 नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, बाकी ये नहीं मिल रहा है तो आप Redmi 5A के लिए भी जा सकते हैं, लगभग सेम सा फ़ोन है अगर आपका ज़्यादा यूज़ नहीं है। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं ज़रूर आपके सामने मेंशन करूँगा, मैंने सोचा था कि मुझे कैमरा से काफ़ी उम्मीद हो गई थी कि जो नए कैमरे आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे और ये टॉर्च वॉच के जो सिस्टम है उससे काफ़ी अच्छा शायद कैमरा का इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन महावाहियात कैमरा है अभी भी इसका, Xiaomi के MI के फ़ोन्स का, और ये जो टॉर्च है ये बिल्कुल बकवास है, और लो लाइट के अंदर तो आपकी पिक्चर अच्छी आ ही नहीं सकती, आप ये समझ लीजिए। तो कैमरा इज़ नॉट वर्किंग। अगर कैमरा की आपको बात करें तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप सैमसंग के फ़ोन के लिए जा सकते हैं, मोटरोला के फ़ोन के लिए जा सकते हैं, तो Xiaomi के कैमरे अभी तक अच्छे नहीं हुए। नोट 5 प्रो अगर मेरे पास जब आएगा तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है उसका कैमरा शायद अच्छा हो, देखते हैं वो तो जब मेरे हाथ में आएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल अगर Redmi 5 की मैं बात करूँ तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सिर्फ, वो भी 2GB 16GB वाला वेरियंट, लेकिन 16GB दोस्तों बहुत कम है, आपको फिर एक हाइब्रिड सिम है तो आपको अलग से एक ही सिम के अंदर दूसरा मेमोरी कार्ड लगा के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 9000 की रेंज में जा रहे हैं तो फिर 10000 में आप 3GB 32GB Redmi Note 5 ले सकते हैं। ये थे मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपके लिए, और बाकी डिसीजन आपने लेना है, क्योंकि मेरा तो ये ओपिनियन था, मैंने आपके साथ शेयर करा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो आया है पसंद तो चैनल को कर दीजिए लाइक, मतलब वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।